हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 4.4। इसमें कह रहा है द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई आर इक्वल टू 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k, ठीक है, के कैप वी है टी इज इन सेकेंड्स एंड द कोएफिशिएंट्स हैव द प्रॉपर यूनिट्स फॉर आर टू बी इन मीटर्स। फाइंड वी टी एंड ए टी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी टी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यहां पर आपको पोजिशन दे रखे, पोजिशन ऑफ पार्टिकल दे रखे, आर टी इक्वल टू 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k। ठीक है, तो अगर इसकी वेलोसिटी vt चाहिए, vt इक्वल टू चाहिए, इधर करो, अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं d/dt और dr। ठीक है, तो r की वैल्यू आपको पता है d/dt, r की वैल्यू ये है, ठीक है, इसमें पुट करो 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो 3t तो 3 का 3 i कैप, ठीक है, और प्लस ये दोनों 4t जे कैप और इसका तो 0 हो गया। ठीक है, ये आ गया इसका वेलोसिटी। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन कैसे किया, ठीक है दोस्तों, अगर मैथ्स वाले बच्चे होंगे ना तो वो तो समझ गए होंगे। देखो यहां पे टी अगर 1 है, टी की पावर 1 है, तो देखो ऐसे होता है एक्स की पावर एन, तो एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, तो यहां पे अगर एक्स एक्स की पावर 1 है तो 1 इधर आया, 1x 1 माइनस 1, ठीक है, तो 1x 0 को, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 3, इसकी वैल्यू डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ठीक है, तो 3 i कैप। अब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, देखो 2, एन की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 2 और टी एन 2 माइनस 1, तो ये हो गया 1, तो 2t और 2 ऑलरेडी है यहां पे, अरे इस टी स्क्वायर का तो हुआ 2t और ऑलरेडी 2 है, तो ये हो गया 4t जे कैप, और यहां पे कोई कुछ भी नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा ना। ठीक है, तो अब यहां पे ये तो इसके वेलोसिटी निकल गई, अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट अगेन कर दो, ए टी इक्वल टू देखो d/dt, ठीक है, और v dv/dt, तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, देखो d/dt 3 i कैप प्लस 4t j। ठीक है, तो ए टी इक्वल टू ये वाला 0 हो जाएगा, वो आ जाएगा 4j। ठीक है, अब देखो 4j एक्सेलरेशन क्या है, इससे कुछ पता लग रहा है आपको, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देखो एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा, ओनली जे कैप है। ठीक है, यहां पे अगर टी होता तो पता लगता, और ये जे में है, तो मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू 4 m/s² इन वाई डायरेक्शन, जे मतलब वाई डायरेक्शन है। ठीक है, VT और AT निकलेगा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ VT एट t इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो t इक्वल टू 1, वो 1 पुट करो, देखो v इक्वल टू 3, यहां पे तो 3 आ गए, 3 i कैप प्लस 1, तो ये हो गया 4 × 1 j, तो v इक्वल टू 3 i कैप प्लस 4 j। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, देखो v इक्वल टू मैग्नीट्यूड v इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 4 × 16 और 9 √25, तो v बार इक्वल टू आ गया 5 m/s। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए ना, तो डायरेक्शन ये देखो, इसका मतलब क्या आ रहा है, ये देखो इसका मतलब ये आ रहा है कि देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है 3 और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 4। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये देखो आर इसके ये एंगल मान लो अल्फा, तो ये हो गया tan अल्फा इक्वल टू यहां पे 4/3, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, 4/अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स देखो 4/3 हो जाएगा 1.33। ठीक है, अब देखो आपको tan देखो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में tan अल्फा, देखो अप्रोक्सीमेटली 53 के समथिंग आ जाएगी इसकी, है ना, और अगर आपको दे रखी है तो सही है, और अगर नहीं दे रखी है तो कैसे निकालोगे, देखो tan 0 और tan 45 की 0 की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू 0, tan 45 की 1 होती है, तो ये 1 से ज्यादा है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 53 आ जाएगा। समझ में आया।